तो अस्सलाम वालेकुम। तो यार कैसे सब? उम्मीद है सब ठीक होगे, बढ़िया होगे। तो यार आज के दिन का आगाज मैंने सोचा किसी अच्छी चीज से करते हैं। तो बॉयज के लिए कोई अच्छी चीज या तो कुछ खाना हो सकता है या कुछ पीना हो सकता है। तो मैंने जनाब पीने में जो है सोचा कि चलो शेक रेडी करते हैं। शेक की चीजें मैंने पहले से ही रख दी थी फ्रीजर में ठंडी होने के लिए। यहाँ पे मैंने जग में स्लाइसिस निकाल के रख दिए थे मैंगो के, एंड जो है एक मैंगो आइसक्रीम का कप भी बाहर से ले आया था, क्योंकि मैं अकेला ही था यार, तो खुद के लिए बनाना था। तो मैंने कहा चलो जी अपने लिए मजे का बनाते हैं। मैं इसी तरह से बनाता हूँ यार आइसक्रीम वाला, दूसरा मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने बर्फ भी निकाल रही है और मैंने मशीन का लगाया स्विच, और मैंने कहा चलें जी बर्फ तोड़ते हैं। अब बर्फ तोड़ने की निंजा टेक्निक जो है ना वो मैंने बहुत ही नेक इंसान से सीखी है, क्योंकि मुझे बर्फ तोड़नी नहीं आती। और यार मुझे एक बात बताओ, ये जो कप के ऊपर वाला होता है ये कौन कौन जो है फेंकने तो दिल ही करता है यार, चाहे सामने पूरा कप पड़ा है। तो मैंने आइसक्रीम डाली जो है जग में आइसक्रीम डालने के बाद मैंने कहा चलें जी दूध निकालते हैं। दूध को निकाला एंड देन जो है मैंने एक जो है इसको भर के, और मैंने कहा चले जी अब एक चुटकी सिंदूर की तरह मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि दूध हमेशा मेरे से गिर जाता है। तो मैंने जो है ना 2-3 कप दूध निकाल लिया। भाई ढक्कन इसका कौन लगाए जग का, हम तो सीधा बटन ऑन करते हैं और ऊपर रखते हैं छन्नी, जिसको हम वैसे कोली भी कहते हैं, समझ रहे हो। सीधा ऊपर रख के हमने शेक कर लिया टेक वन, समझ रहे हो, क्योंकि आपके भाई को इतना टाइम भाई कौन लगाए। मैंने कहा चलो चेक करते हैं यार, खुशबू तो अच्छी आ रही है। यहाँ पे टेक वन खत्म हुआ, मैंने कहा चलो यार चेक कर लें, क्योंकि भाई अपनी बनाई हुई चीज पे हमें खुद ही शक होता है, ठीक है, क्योंकि भाई अब यकीन वाली बात रही नहीं। तो बात वही है कि शक्कर नहीं डाली थी, ठीक है, अब मैंने शक्कर डालना शुरू कर दी। अब भाई देखने को ये मैंने 1 कप जो है ना 1 चम्मच ही डाली है, ठीक है, लेकिन ये पंजाबियों वाला 1 चम्मच शक्कर थी। तो 1 शक्कर का चम्मच डालने के बाद मैंने टेक टू लिया। टेक टू लेने के बाद जनाब मैंने चेक किया, हाय क्या मस्त था यार, फुल ठंडा पिया है, फुल आंखें नशे से भरी हुई थी। तो ये पीने के बाद मैंने कहा जी चलें निकलते हैं। अब जनाब रास्ते में जा रहे थे और जाते जाते जो है याद आया, ओहो ये तो हम लोग दूर निकल आए हैं। खैर जहाँ हम सेंट्रल पार्क ही रहे थे, सेंट्रल पार्क में यार हॉस्पिटल है, क्योंकि भाई की तबीयत खराब थी, उन्हें थे किडनी स्टोन एंड वो उनका इलाज 1 वीक से तकरीबन चल रहा था। यहाँ पर रास्ते में हमें ना एक बिल्डिंग दिखी, भाई मैं तो पहले सोचा, मैंने कहा इधर एयरपोर्ट बन गया है या मतलब कोई ये अजायब घर है, ये क्या इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। वो भाई ने बताया बाद में कि ये कम्युनिटी बिल्डिंग है। भाई हम लोगों को क्या पता यार, जिन्होंने कसूर से लाहौर और लाहौर से कसूर ही जाना है, उन लोगों को क्या पता कि कम्युनिटी बिल्डिंग जैसी भी कोई चीज़ होती है, समझ रहे हो। खैर भाई साहब यहाँ पे हम डायरेक्ट पहुँचे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद एज यूजल भाई ठेका जो है वो जगह टैक्स चलता है, तो भाई जगह टैक्स जो है वो जगह टैक्स समझ रहे हो ना, कि वो पर्ची लो, ठीक है, बाइक की। अब बाइक की पर्ची लेने के बाद मैंने बाइक लगाई जो है पार्किंग में, सीधा गया। भाई ने कहा ये फाइल पकड़ो और मेरे पीछे रहो ब्लॉगर साहब। मैंने कहा अच्छा जी ये भी सही है साथ एक आपके आओ है साथ में बिस्ती भी अपनी करवाओ। और यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये जितने भी हॉस्पिटल हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है नर्सेज और यार ये रिसेप्शनिस्ट ऐसे तैयार हुई होती है जैसे इनको रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं, इतनी प्यारी बनी होती है, ये फुल मेकअप लगाया होता है, फुल आटा शाटा लगाया होता है इन्होंने। खैर यहाँ पे भाई ने जो है अपनी वो बनवाई जिसको क्या कहते हैं चेकअप की रसीद, और सीधा गया इस भाई साहब के पास। वो भाई साहब ने आगे से कहा वो चल भाई उठे जाके, भाई ठीक है भाई साहब बिस्तर के आगे। यहाँ पे मैंने अपनी जो है नूरानी शक्ल को देखने की कोशिश की, मैंने कहा भाई साहब उठ जाओ दिन चढ़ गया है, खुद को ही समझा रहा था। खैर यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची मैंने देखी तो बड़ी प्यारी थी, खैर वो खेल रही थी। यहाँ से जनाब डॉक्टर तो मिले नहीं, डॉक्टर साहब थे छुट्टी पे। मैंने कहा चलो निकलते हैं, निकलते निकलते रास्ते में आ गया स्पाइसरीना। स्पाइसरीना को देख के मुझे मेरे दिल के अरमान जो है वो जाग गए, समझ लो। कभी किसी वक्त में हम 10 घंटे स्पाइसरीना में जो है मुंह उठा के बैठे रहे। खैर रास्ते में याद आया कि अपनी लाडो रानी को धुलवा लें, क्योंकि लाडो रानी काफी बिस्त हुई हुई थी बारिश की वजह से। खैर ब्लॉग इतना ही था यार, और कोई एक्साइटिंग चीज हुई नहीं, तो मैंने कहा यार क्या इंक्लूड करूं है। कुछ चीजें मैं खुद ही काट देता हूं, क्योंकि उनमें कुछ लोगों के फेस होते हैं या उन्होंने मतलब इस तरह से कोई ना कोई क्लिप में आ जाता है, अब वो मैं खत्म कर देता हूं। खैर बात करते हैं कि अब मैंने रखा 30-day challenge, क्योंकि मैं जो है ना चेन स्मोकिंग बहुत ज्यादा करना शुरू हो गया था। चेन स्मोकिंग जो लोग मेरी लाइव स्ट्रीम देखते हैं ना उनको पता है कि ये चेन स्मोकिंग करना शुरू हो गया था। अब यार ये एक बैड हैबिट है, ठीक है, बहुत बुरी आदत है, इसको छुड़वाने के लिए मैंने रखा 30 days का challenge। 30 days में क्या करेंगे हम, डेली का जो है वो एक शॉर्ट अपलोड होगा जिसमें मैं जो है एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है, कितनी सिगरेट्स पी कितना जो भी सारा मैं जो है अपना कैलकुलेट करके बताऊंगा, और एक अपना बेटर वर्जन 30 days में लाऊंगा। वैसे तो 45 days होते हैं, लेकिन हम पहले 30 days का challenge देते हैं, क्या पता हम 30 days पूरे कर भी पाएं या नहीं। और लाइव स्ट्रीम की तरफ भी आएंगे यार, उतनी देर के लिए अपना ख्याल रखिए। ओवर एंड आउट, अल्लाह हाफिज़।